अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल बिया और मला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और मला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, और कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। सबका ख्याल तो ये था कि शकील साहब की फैमिली में अरसे के बाद नन्हे मुन्ने मेहमान की आमद के साथ ही घर जैसे खुशियों और रौनकों और शादमानियों का गहवारा बन जाएगा, मगर लम्हा भर में जैसे सब कुछ बदल गया था। नन्हे मुन्ने मेहमान की आमद के साथ मीना की बेवक्त मौत ने जैसे आने वाले की आमद की नवीद को एक सानहे में बदल दिया था। आहोबका और सिसकियों ने खुशी के शादियानों को दबा लिया था, गम के बादलों ने खुशी के सूरज को गहना दिया था। शकील विला में बरसों बाद नए मेहमान की आमद की तैयारी दीदनी थी। जैसे ही मीना के पांव भारी होने की तस्दीक हुई थी, रामील तो रामील दादा बनने की खुशी में शकील साहब भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। मीना शकील विला की इकलौती बहू होने के सबब वैसे ही फूले ना समाती थी, अब तो वह खसूसी तवज्जो का मरकज व महवर थी। मीना बेटी, ये सूप लो, शाम को जूस ज़रूर ले लेना, ऐसे में तो अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना होता है। वो अपनी बहू पे फिदा हुई जा रही थी तो उधर घर की पुरानी बुआ भी नमककारी का हक अदा करते हुए अपने तजर्बे की रोशनी में उठते बैठते नए नए अंदाज बताती रहती थी। और रामील ने उस दिन से मीना का नाम ही तब्दील करके मुन्ने की अम्मा रख छोड़ा था, जिस पर वो खिलखिला के हंस देती, एक ऐसा कहखा जिसमें तमानियत और सरशारी का भरपूर एहसास होता। दिन गिने जाते रहे, रोज़ फकीरों को खाना खिलाया जाने लगा और महीना ख़त्म होने पे बकरा सदका करना तो गोया शकील अहमद ने अपने ऊपर फ़र्ज कर लिया था। शकील फैमिली का वारिस आने वाला था, उनकी औलादें थी ही कितनी, एक रामील और दूसरी रिमला। रिमला ब्याह के साथ समंदर पार जा बसी थी, वहाँ उसके शोहर माहिर समाजियात के हवाले से जाने जाते थे और मगरिब को अपना समाज सुधारने की जितनी ज़रूरत इन दिनों थी इससे पहले कभी न थी। इसलिए 7 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद वो सिर्फ रामील की शादी के मौके पर बहुत मुख्तसर क़याम के लिए पाकिस्तान आ सकी थी। अभी बच्चे तो नाना नानी से मानूस भी ना हुए थे कि वापसी के टिकट्स आ गए। यूं समतानी बिला बच्चों की चहकार से हमेशा नामानूस ही रहा। और फिर उस रोज़ सुबह से ही मीना की तबीयत ठीक न थी, सारखोरी के बावजूद सुस्ती हनूज बाकी थी, कुछ खाने को दिल भी नहीं चाह रहा था, अजीब सी बेचैनी थी। अगरचे घर वाले मीना की तकलीफ पे परेशान भी हो रहे थे, लेकिन नए मेहमान की आमद को करीब महसूस करके मुतमईन भी हो जाते। क्लिनिक में माहिर और मुशाक डॉक्टर्स लम्हा लम्हा मीना की निगहदाश्त में मसरूफ थे। तभी सिस्टर ने बाहर आकर नन्हे मेहमान की आमद की इतला दी तो रामील खुशी के मारे जैसे खुद भी बाप से लिपट गया। मुनज़्ज़ा बेगम ने सजदे में गिर के रब का शुक्र अदा किया कि यह सारा करम उसी का था जो वो आज दादी बन गई। तभी सिस्टर ने घबराहट के आलम में रामील को पुकारा था, मिस्टर रामील प्लीज़ कम इन। और शकील अहमद से वफूरे जज्बात से गले मिलता रामील अंदर को लपका तो मुनज़्ज़ा बेगम का सांस भी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो भी लेबर रूम की जानिब दौड़ी, लेकिन शायद दुआ की कबूलियत का वक्त ख़त्म हो गया था। मीना की चढ़ी हुई आंखें और अकड़ के ठंडा हो जाने वाला जिस्म नौमौलूद के वजूद से यकसर बेनियाज हो चुका था। कैसी शबगुजीदा सार थी, आन की आन में क्या से क्या हो गया था। 9 माह तक अपने वजूद के साथ व्यवस्थ रखने वाली माँ उसका चेहरा भी ना देख सकी थी, ना उस कुलगोतने का बोसा ही ले सकी थी। सच है, मौत का वक्त मुकर्रर है, ये इंसान को बड़ी बेखबरी में आ लेती है। खुशी के घर में सफ़े मातम बिछकी, बेशुमार आहों और सिसकियों के साथ मीना ने जैसे ही रखते सफ़र बांधा तो नन्हे मेहमान का नाम शर्जील रख दिया गया और उसकी आमद का एहसास और निगहदाश सवालिया निशान बनकर सामने आ खड़ी हुई। रामील को तो अपना भी होश ना था, मिस्टर और मिसेस शकील को मीना की बेवक्त मौत ने थका दिया था। मीना का मैका तो अपने ज़ईफ़ुल एतकादी के सबब शर्जील को मीना की मौत का सबब करार दे रहा था और उसके नन्हे वजूद को सब्ज़ कदम का लकब दे चुका था।
उनसे उसकी परवरिश की तवक्क करना ही बेकार था। अरे मुनज़्ज़ा बहन, फिक्र ना करो, मैं और इज्जत है ना मिलजुल के संभाल लेंगे नन्ही जान को। हमेशा की तरह दूर परे की बहन ने मुनज़्ज़ा को तसल्ली देख कर शकील विला का इंतज़ाम संभाल लिया था और इज्जत ने नौमौलूद मेहमान को अपनी पूरी तवज्जो का मरकज़ बना लिया। उसे आज 20 साल की उम्र में जैसे अपना छोटा भाई मिल गया था जिस पर वो अपना आप निछावर कर रही थी। उधर शर्जील नींद में किसमिसाया, इधर इज्जत उसको संभालने के लिए तैयार। फिटर के लिए शर्जील को कभी रोके मुतालबा ना करना पड़ा और ना ही किसी ने उसे गंदे नैपकिन में देखा। वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता रहा और शर्जील साल का हो गया। आज शकील विला में शर्जील की सालगिरह हो रही थी या मीना की बरसी। जहनों में अजीब खलजान था, ये कैसा इम्तहान था। लेकिन किसी सयाने ने सच ही कहा है, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता। जिंदगी अपना हक मांग रही थी, लिहाजा शाम में हल्के फुल्के अहतमाम के साथ सालगिरह मनाई गई। नुसरत खाला और इज्जत कब तक शकील विला में रहते, उन्हें भी अपना घर देखना था जो साल से बंद पड़ा था। लेकिन जाने के ख्याल के साथ इज्जत के दिल को भी जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके मसल दिया। शर्जील को आंटी कैसे संभालेंगी और मैं शर्जील के बिना कैसे रहूँगी। उधर रामील को भी अपने बेडरूम का सुनापन महसूस होने लगा था। बीवी की मौत तो यूं भी कोहनी की चोट होती है, लगी तो बड़ी महसूस हुई लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास भी नहीं होता। रामील के लिए नई दुल्हन की तलाश शुरू हो चुकी थी, लेकिन 2 साल कबल ही जिन लोगों ने मीना के शकील विला की बहू बनने पर अपने दिल पर जबर करके काफे अफसोस मरे थे, आज अपनी बेटी देने को तैयार न थे कि कौन संभालेगा पराए औलाद को। मुनज़्ज़ा की नन ने भी उन्हें साफ इनकार कर दिया था। भाई, पहले की बात और थी और अब और, मीना के कदमों के निशान मौजूद हैं। ना भाई ना, मैं अपनी बेटी रणवे को क्यों दूँ जबकि सौतेला बेटा भी साथ है। सुरैया अपा ने कानों को हाथ लगाए और मुनज़्ज़ा सोच के रह गई। ये वही अपा हैं जिन्होंने रामील को अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश कई मरतबा इशारों कनायों में की थी, लेकिन आज यही सब उनका मुंह चिढ़ा रहे थे। उस रोज उनके बंगले के सामने नई शिफ्ट होने वाली फैमिली ने उन्हें मधु किया था। मिस्टर एंड मिसेस शकील, आप लोगों को इस इवेंट में अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शिरकत करनी है। साल डेढ़ साल से पजमुर्दा शकील साहब की फैमिली को आज इस इवेंट में जाने के लिए ख़ास तौर पर तैयारी करना पड़ी थी कि मीना की बेवक्त मौत ने इस घर में अफसरदगी के साए फैला दिए थे। अरे भाई जल्दी करें, शकील साहब हस्बे मामूल सबसे पहले तारों के बाहर आ गए थे। तभी इज्जत फिरोजी रंग के जोड़े और उसी कलर की ज्वेलरी में हल्के मेकअप के साथ शर्जील को गोद में उठाए कमरे से निकली तो शकील साहब कुछ सोचते ही रह गए। महफिल की गहमा गहमी से शर्जील भी लुत्फानंदोज़ होता रहा। अपने कदमों से बड़े बड़े गुब्बारों की जानिब वो लपका तो इज्जत को भी अपनी नशीस छोड़ना पड़ी। अरे इधर शर्जील नहीं, उधर नहीं, वो गुब्बारों को इधर उधर हरकत देकर शर्जील को खिलाने में मसरूफ थी। तभी खातून खाना ने उसे टोका, आप अपने बेटे को लेकर इधर आ जाएं। मेरा बेटा शर्जील? इज्जत बुरी तरह चौंकी। उसने खज्जल होकर रामील की तरफ देखा जो खाने में मसरूफ था। वो शर्जील का हाथ पकड़ के खाने की तरफ आ गई। आपकी बहू बहुत कम गो है, मेज़बान खातून ने बेगम शकील से राह और रस्म बढ़ाने के लिए मौजू छेड़ा। ओहो, मिसिस शकील बस इतना ही कह सकी, लेकिन कुदरत ने उन्हें सोचने का नया जाविया फराहम कर दिया। नाना, मखमल में टाट का पैवंद, उनका जहर इज्जत की हैसियत को तस्लीम करने को तैयार न था। लोग क्या कहेंगे, रात को बेडरूम में दाखिल हुई तो उनके जहन में मेज़बान खातून का ही जुमला बाजगिश्त कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुद कलामी के अंदाज में नाना करती हुई बेड तक आई तो शकील साहब ने उन्हें टोका। भाई किस बात का इनकार हो रहा है, तो उन्होंने मेज़बान खातून का जुमला दोहरा दिया। अच्छा, शकील साहब ने खनखार के गला साफ किया कि जैसे वो अक्सर ऐसे मौके पे करते थे। तो बेगम वैसे इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी शर्जील इज्जत से अजहद मानूस है, कोई और शर्जील की वजह से अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। तुम ऐसा करो रामील। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बेगम शकील इख्तलाजी कैफियत में मुबतला थी। शकील साहब जो सुलह जो आदमी थे समझाने वाले अंदाज में गोया हुए। अरे बेगम, जिसका मामला है हम उसी से क्यों ना बात कर लें। मिसिज रहमान को तो गलत फहमी हुई थी और आप चले ब्रश संभाल के रंग भरने। मिसिज शकील किसी तौर पर इज्जत के हक में वोट ना दे सकी
तो शकील साहब ने मामला आने वाले वक्त पे उठा रखा। चलो अब सो जाओ, नींद आ रही है। उन्होंने लंबी सी जवाई लेकर गोया आगे कुछ कहने सुनने पर पाबंदी लगा दी। अरे मैंने कहा बुआ, बहुत अच्छी सी खातिर मदारत करना और इज्जत से भी कहना अच्छी तरह तैयार होकर सामने आए। बेगम शकील इज्जत के लिए आने वाले पहले ही रिश्ते को आखिरी बना के जान छुड़ाना चाह रही थी। अरे भाई इज्जत, देखो ये शर्जील रो रहा है। रामिन उसे गोद में उठाए उठाए नुसरत खाला के कमरे में आ निकले तो आईने के सामने बैठी इज्जत ने रुख मोड़कर शर्जील को रामिन की गोद से लेना चाहा। उसे शर्जील का रोना कब गवारा था, लेकिन इज्जत का रूप देखकर रामिन ये भूल ही गए कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आए थे। कहीं जाना है क्या? नहीं, फिर ये तैयारी किस लिए? बी जान से पूछ लें। मम्मा क्या आज कोई खास बात है? रामिल बेगम शकील की तरफ आ निकला, जिनकी गुफ्तगू से उसे अंदाजा हुआ कि जिस शहर में वो अभी अभी गिरफ्तार होकर आ रहा है उसकी कार्ड की तैयारी जोरों शोर से जारी है। मम्मा इज्जत को कहीं ना भेजें, वो इसी घर में शर्जील की आया नहीं बल्कि माँ बन के रहेगी। मान चंद लम्हों में रामिल ने माँ को अपना फैसला सुना दिया, जो पहले तो उन्हें हक्का बक्का कर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हवास मुजतमा करके बेटे को समझाना चाहा। बेटा उनके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मम्मा शर्जील को ना आप संभाल सकते ना ही मैं वो तवज्जो दे सकता हूँ जिसका वो मुस्तहिक है, और कोई नई लड़की मेरे बेटे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं। उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए थे। आप अपने बेटे पर अपना स्टेटस कुर्बान नहीं कर सकती और मैं आपके स्टेटस पर अपना बेटा कुर्बान कर दूँ, ये सरासर जाती है। जज्बों की सदाकत थी, मनसा हार मान गई। रिश्ते के लिए आने वाले मेहमानों को फ़ोन पे ही मना कर दिया गया और नुसरत खाला को इस रिश्ते पे क्या इनकार हो सकता था। और यूँ इज्जत खामोशी से रामिल की ज़िंदगी में दाखिल हो गई। माल पर निगाह थी, जभी तो माँ बेटी जम के बैठी थी, पहले से चक्कर चल रहा होगा। ऐसी अनगिनत बातें उसके दिल को काटती थी, लेकिन उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसके सादिक जज्बों को कबूल फरमा लिया है, वरना कौन किसी के बच्चे की खातिर रात दिन अपनी अल्लड़ जवानी की नींदें कुर्बान करता है और पूरा पूरा वक्त उसकी खिदमत में गुजारता है। फिर गुजरते वक्त ने रामिल को मजीद दो बच्चों से नवाजा। खानदान के चंद बुजुर्गों के अलावा किसी को खबर न थी कि शर्जील और शामिल की माएँ जुदा जुदा हैं, लेकिन मीना की एक तस्वीर ने शर्जील और शामिल को मद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया था। हुआ यूँ था कि शकील साहब के इंतकाल के बाद शकील विला को भाई और बहनों के दरमियान अजरवे शरा तकसीम होना था और रामिल अपने पोर्शन में मुंतकिल हो रहा था कि मीना की एक तस्वीर कहीं से निकल पड़ी। अरे मामा ये किसकी तस्वीर है? सिफत तस्वीर को गौर से देखते हुए यकदम उछल पड़ी। मामा शर्जील भाई की आंखें बिल्कुल इन्हीं जैसी हैं, ये हैं कौन? सामान जल्दी जल्दी इधर पहुँचाओ। इज्जत ने बेटी की तवज्जो हटानी चाही, लेकिन सामने से आती दादी अम्मा से सिफत ने वही सवाल दोहरा दिया, कौन सी तस्वीर? उन्होंने तस्वीर हाथ में पकड़ के अपना चश्मा दुरुस्त किया। अरे ये तो मीना है, रामिल की दुल्हन, शर्जील की माँ। उफ, इज्जत ने बेबसी से सास की जानिब देखा। जिस बात को रामिल और इज्जत कभी जुबान पर न लाए थे कि शर्जील पर माँ की मौत का कोई नफसियाती असर ना हो, आज उन्होंने कह दी थी। मारे हैरानी के सिफत और शामिल का मुँह खुले का खुला रह गया, लेकिन शर्जील के लिए ये इंकशाफ बम धमाके से कम न था। मामा आपने मुझसे क्यों छुपाया कि मेरी मामा नहीं है आप? वो हजियानी कैफियत में चीखा। बताएं मेरी मामा कैसी थी, बताएं मेरी मामा क्यों मर गई? आपने ही मारा होगा उन्हें। शर्जील अपने हवासों में ना था और इज्जत को उसे समेटना भी मुश्किल हो रहा था। उससे पहला प्यार देने वाली इज्जत सर थटरते मौसम में आगोश की पहली गर्मी भी उसी ने से दी थी, पहला नैपकिन तब्दील कराने वाली भी इज्जत ही थी। लेकिन यह भी हकीकत थी कि शर्जील ने उसकी कोख से जन्म नहीं लिया था, यही इज्जत का कसूर था या इम्तिहान? मेरी माँ को आपने ही मारा होगा, उसका एक जुमला इज्जत के सर पर हथौड़े बरसा रहा था। वो उसे समेटना चाह रही थी मगर वो था कि बिखरे ही जा रहा था। तभी बाहर से आते रामिल ने उसे माँ से बदजुबानी करते पाया तो झुंझुला कर एक तमाचा रसीद कर दिया। इज्जत ने आगे बढ़ के उसे बचाना चाहा तो वो मजीद भी फड़ गया। मुझे मेरे बाप से पिटवाती हो और फिर प्यार भी घारती हो? शर्जील भैया मम्मा ने तो नहीं पिटवाया आपको? शामिल के इस जुमले ने उसे कितने ऐसे किस्से याद दिला दिए जिनमें सौतेली माँ के जुल्म और सितम की दास्तानें भरी पड़ी थीं। सौतेली माँ को किन किन नाकर्दा गुनाहों की सजा मिलती है, इज्जत सोच रही थी।
क्यों लोगों ने इस रिश्ते में इतना जहर भर दिया है? क्यों पांचों उंगलियों को एक साथ तसव्वुर किया जाता है? क्यों मासूम जहनों को लफ्ज़ सौतेले से इतनी नफरत में डाल दिया जाता है? क्यों हमदर्दी की आड़ में बच्चों को शकूक को शुभात वसवसों की आग में झोंक दिया जाता है? मैं अब आप लोग के साथ नहीं रहूँगा, आप सब धोखेबाज हैं, मेरी मम्मा के कातिल। वो पैर पटकता घर से जा रहा था, इज्जत को लगा उसकी कोख उछड़ गई हो। वो उसके पीछे जाना चाह रही थी, उसे पकड़ना चाह रही थी, लेकिन उसके अंदर दो कदम चलने की भी सकत न रही। वो जहाँ थी वहीं बैठती चली गई। उसे कोई लम्हा भी ऐसा याद नहीं आ रहा था जब उसने शर्जील को सौतेला समझा हो। शर्जील शकील विला से बाहर तो आ गया था, लेकिन घंटा भर तक सड़कों की खाक छानने के साथ अपने और अपनी ज़िंदगी पे बार बार निगाह दौड़ाने के बावजूद भी उसे कोई भी मौका ऐसा याद ना आ रहा था जब शर्जील और शामिल के दरमियान कोई फ़र्क महसूस किया गया हो। तो फिर किसी ने उसके कान में सरगोशी की। मैं मम्मा से अपने रवैये पे माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, मेरी मम्मा बहुत अजीम है, वो मुझे माफ़ कर देंगी। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। घर में दाखिल हुआ तो इज्जत की कैफियत देखकर उसके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके मसल दिया हो। भाई का उतरा चेहरा और सिफत की दबी दबी सिसकियाँ एहसास नदामत में गरकाप कर गई। शर्जील भाई, आप कहीं नहीं जाएंगे ना? मासूम सिफत के बेकरार लहजे पे से टूट के प्यार आया था। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है, मुझे माफ़ कर दें। वो गुमसुम बैठी इज्जत के कदमों में आ बैठा। इज्जत ने बेइख्तियार उसे सीने से लगा लिया। शर्जील की आंखें भीग गई थी और इज्जत को यूं महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया का सुख उसके दामन में सिमट आया हो। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। औलाद ही माँ के दिल का सुकून और करार है। आज अपने गबरू जवान बेटे को यूं बिखरते देखकर उसकी तो जैसे सांस से अटक गई थी। अचानक ही उसने अपने तीनों बच्चों को ही खुद से लिपटा लिया था कि माँ के लिए उसकी तमाम बहारें और कुल कायनात उसकी औलाद ही हुआ करती है। आज इज्जत का इस बात ईमान और भी पुख्ता हो गया था कि खलूस कभी रायगा नहीं जाता।